Welcoming you to the 6th day of life skill development workshop organized by IQAC of Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence Asind. आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं इस महाविद्यालय में पधार चुके अतिथि श्रीमान संपत शर्मा का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। सम्मानित मंच और लाइफ स्किल के लिए जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे विद्यार्थियों, 6 दिन से आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि क्या बोरिंग सब्जेक्ट, मैं बोरिंग नहीं करने वाला, मेरे को सुनोगे तो 12 घंटे भी लग जाएंगे। मैं अपनी 40 मिनट की स्पीच तैयार करके आया हूँ। 40 मतलब 40, ना तो आपके 41 होगा और ना 39। और कंप्यूटर आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, ये इसका कितना रोल है, ठीक है। तो मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो आप सभी का स्क्रीन के हिसाब से मैं बना के लाया हूँ, जो PPT बोलते जिसको, तो हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर मैं एक भी वाक्य बिना अनुभव के बोलता हूँ तो आपको लग जाएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं या इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके जीवन के आदरणीय सेन साहब बैठे हैं, ये सब मेरे पिताश्री के समान हैं और इनके सानिध्य में पले बढ़े, और ये इन लोगों का आशीर्वाद और पिताश्री का आशीर्वाद और शैक्षणिक जो मैंने क्रियाकलाप किए उनसे जो सीखा है वो सब आपको 40 मिनट के अंदर मैं परोसने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है कंप्यूटर प्रवीणता, यानी कंप्यूटर में मास्टरी या कंप्यूटर आपके जीवन में कैसे काम कर सकता है, कहाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसके लिए मेरे जो 40 मिनट है, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ और बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगा। उसका कारण ऐसा नहीं कि मैं कोई लिख के लाया हूँ, कि मैं तारतम्य से आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। और नेक्स्ट स्लाइड में से बताना कि कंप्यूटर 40 मिनट में आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, इसका बिल्कुल स्टिक उदाहरण आपके सामने दीपक जी सर बैठे हैं। ये कंप्यूटर के आसन के लोग इनको जानते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है। और आपके सर बैठे हैं, ये उड़ीसा से हैं आपके, यहाँ कंप्यूटर का मास्टरपीस जो लैंग्वेज के या जो आपके इस तरीके से, आप जितना लाभ ले सकते हो उतना ले सकते हैं। आप सब लोग BA फर्स्ट ईयर की हो ना, BA मतलब फर्स्ट ईयर की, फाइनल वाले तो मेरे को जानते होंगे, मैं एक बार पहले आया था, जानते होंगे, ठीक है। उस समय मैंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें उस पर सेमिनार दिया था। और अब नेक्स्ट इवेंट लगाते हैं ना, ये है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला जिसका नाम है कीबोर्ड। मेरी आवाज़ पीछे तक बोले, उस ऑफिस तक आ रही है पीछे, बिल्कुल सही, ठीक है। एक कीबोर्ड आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, मैं आपको सत्य सत्य और 3 बार सत्य समझा रहा हूँ कि अगर आप आज से ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखना शुरू कर देवे, बहुत सारे लोगों ने दीपक जी सर के यहाँ से RSAT की होगी, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी इन्हें सिखाई होगी, नहीं तो वापस ज्वाइन कर लेना, सीख लेना। उसका यूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सूचना सहायक है, LDCA है, चाहे SET के भी एग्जाम हो रहे हैं, इन सब में आपके हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है वो बिल्कुल काम आएगी। आप जो मोबाइल से लिखते हैं, आप में से जो मोबाइल से लिखते हैं, जैसे मेरा नाम संपत है तो मोबाइल से लिखा जाएगा SAMPAT, है ना, तो वो हिंदी में संपत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लोगे तो इसको भी हिंदी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर में लिखी जाती है वो उसको भी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे इसको कौन सी हिंदी बोलते हैं, कोई बता सकता है, जो मोबाइल से आप टाइप करते हो, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, या इस तरीके से, इसको कौन सी हिंदी बोलते हैं, ये भी तो हिंदी है, इसको बोलते हैं यूनिकोड वाली हिंदी, है ना, जिनको यूनिकोड वाली हिंदी, वो हिंदी नहीं सीखनी है। कुर्तिदेव जो फॉन्ट होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा मान्य फॉन्ट है, वो हिंदी अपने को सीखनी है। हिंदी आज बहुत सारे लोगों ने SET का फॉर्म भरा होगा, तो उसमें आगे भी पूछ सकते हैं, सरकार है, सरकार का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कौन सी योग्यता आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपका कीबोर्ड किस तरीके से ज़िंदगी बदलेगा, कि आपको कीबोर्ड में, जैसे मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, कीबोर्ड में भी प्रिंट स्क्रीन होते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको नोट्स कॉपी नहीं करने देती, तब आपको प्रिंट स्क्रीन का हथियार आजमाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में आपके जो है कि टाइपिंग और सरकारी नौकरी, मैडम ने इसका पूरा वर्णन बता दिया आपको किस तरीके से सरकारी नौकरी गया, तो टाइपिंग का मैंने भी आपको बता दिया। अब आता है डिजाइनिंग, ऐसी चीज है, चाहे आप कोरल ड्रॉ नाम सुना, किसे फोटोशॉप नाम सुना होगा, तो इन सब की भी डिजाइन, जैसे
आप लोगों ने देखा होता है घर में जैसे दादा नाना या बड़े बुजुर्ग जो शांत हो जाते हैं ना, तो फोटोग्राफर फटाफट उनको साफा वाफा पहना के फटाफट ये तारीख लिख के आपको फोटो बना देता है। उसमें कटे कटाए जो फोटो साफा जो शर्ट वगैरह जो होते हैं उन सबको PSD फाइल कहते हैं, PNG फाइल कहते हैं और CDR फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी बिकती है, जिसको ये कटिंग करना और जिसको डिजाइन करना आता ना, इसके पूरे पूरे के ग्राफिक्स पैकेज बिकते हैं। आपको कंप्यूटर में अगर वो आता है तो आप उससे भी आय जनरेट कर सकते हैं। अपना विषय है कंप्यूटर प्रवीणता, कंप्यूटर में मास्टरी कैसे करके आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ को भी मैं आपको उदाहरण से ही समझाता हूँ। एक जो आपके 8 फोटो जिसमें आती है, वो जो फोटो शीट वो कितने बाई कितने साइज की होती है? 4x6 की, जिसमें 8 फोटो आती है ना, ठीक है। और यहाँ मैं बहुत सारे मित्र वालों की पोल खोलने वाला हूँ कि आप लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तो नॉर्मली वो कितने रुपए लेते हैं उसके 8 फोटो के? 7 रुपये। वो सीट दीपक जी नहीं, वो सीट 3 से 4 रुपए की पड़ती है और उस पर प्रिंटिंग का खर्चा मात्र 2 रुपए आता है। 6 रुपए की चीज, ये सत्य है 6 रुपए की चीज, तभी तो वो आपके 50 रुपए, कभी आप 40 भी दे दो तो भी ले लेता है। और आप सारे और कभी भी ना एक सीट पे दो दो फोटो भी आ सकती है, क्यों करेगा? उसके पता ही 8 सीटें जाएगी। तो किसी को ई मित्र वगैरह जो इतनी सारी दुकानें खुलती है वो इसी के आधार पे चल जाती है, फोटोशॉप की या आपके जो पासपोर्ट फोटो से ही चल जाता काम उनका, ये सारी चीज। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सबसे बड़े धनुष बाण आपके जो टाइपिंग और डिजाइनिंग है। डिजाइन कैसी भी की जा सकती है, बहुत सारी डिजाइन होती है। मैंने यहाँ पे देखा, मुंबई गया था एक बार किसी कारणवश, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो ज्वेलरी जो महिलाएं ज्वेलरी खरीदने जाती है ना, तो उन ज्वेलरी की बनी बनाई PSD फाइल, तो आप सबको टेस्ट करना चाहे तो वो निकाल के तो नहीं दे सकता, तो वो क्या करता, आपकी फ़ोटो खींचेगा, आपकी फ़ोटो को फोटोशॉप में लगा लगा के बता देगा कि दीदी या सिस्टर आपको ये चीज़ें ऐसी अच्छी शोभायमान लगेगी, बात खत्म। तो इस तरीके से उस डिजाइनिंग का भी काफ़ी, मैं एक बार सर आए बताएंगे तो मैं एक बार फिर से आपको आऊँगा ज़्यादा, क्योंकि 6 दिन से आप भरे पड़े हो, ये सुन सुन के सेमिनार पक गए हो, तो धीरे धीरे फास्ट इसको खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, इनको जानते हो? इस व्यक्ति के दिमाग में जितना उबरे जो क्या नाम तारक मेहता का सीधा चश्मा, ये उल्टा, उसमें बबीता नाम की अभिनेत्री जितना घर करती ना, तो वो हर चीज में उसको और इसको परेशानी एक ही व्यक्ति से है, उसका नाम है सुंदरलाल, ठीक है। और उस तारक मेहता को मैं इनका उदाहरण इसलिए लाया कि चेहरे पे जो मुस्कान जो स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा आनी चाहिए, इससे कोई ताल्लुक नहीं, इससे अपना कोई करियर नहीं बनना, ये तो जोशी है, इनका अपना करियर बन चुका है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि उस जेठालाल नाटक में मेरे को अभी तक 2 आदमी का जो काम है वो अटका पड़ा हुआ है, जैसे अपने 14 लाख मोदी जी ने अटका रखे ना, ऐसे ही अटका पड़ा हुआ। कैसा, एक तो इनकी सासू माँ कभी नहीं। एक वो पोपटलाल की शादी होते होते रह जाती है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मेरे साले साहब के एक लड़का छोटा सा, मैंने कहा कि ये क्या, वो कह रहे पोपटलाल के अभी जूते पड़ने वाले, अभी शादी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें ये आपका पहला तीर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका नाम आपने सुना होगा, RSA 12 में क्या होगा, इससे कैसे आपको इनकम जनरेट हो सकती है। जैसे यहाँ से पास आउट है दिलकुश कुमावत, जो हमारे मित्र है और मेरे वहाँ काम भी किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मॉडल स्कूल में काम किया, मॉडल स्कूल में जान बच्चे अगर उधर से आए होंगे तो उनको जानते होंगे दिलकुश कुमावत सर, फिर उनको लगा कि मेरे को और कुछ एबिलिटी विकसित करो, तो श्रेय शिक्षा में आए तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप अपना ऐसे टाइपिंग वगैरह अच्छी बढ़ाइए और लेटरों के फॉर्मेट तैयार कीजिए, जैसे किसी को रजिस्ट्री करवानी है, किसी का नाम बदलवाना, किसी का मकान इसके नाम पे किराया नाम है, इस तरीके के फॉर्मेट तैयार किए, फॉर्मेट तैयार किए, धीरे धीरे उनका ये चीज़ हुआ। एक वर्ड कैसे जिंदगी बदल रहा है, एक वर्ड आपकी जिंदगी कैसे बदल रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में बैठने लग गए आजकल, तो कोर्ट में क्या जो पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी एप्लीकेशन टाइप करवाते, टाइप करे 4 पेज निकाले 200 रुपये ले, लेकिन ये वर्ड आपकी जिंदगी इस तरीके से बदल सकता है। आपके जैसे आर्ट्स वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आर्ट्स वाले या जो साइंस वाले हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैम सही बता रहे थे कि इनकी आपकी रुचि जो कंप्यूटर के प्रति है, तो कंप्यूटर में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो इनकी बारीकियों में से पूछे जाते हैं। जैसे पावर पॉइंट का नाम तो सबने सुना है, पावर पॉइंट की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, मुझे वही बताएगा जिसका नाम P से शुरू होता है,
जिसका नाम पी से किसी व्यक्ति बताइए पीपीटी वेरी गुड, इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये मेरी तरफ से एक बहुत सुंदर सा कैलेंडर है, उसको वहां तक पहुंच जाए और कोई खड़ा ना हो इस तरीके से ऐसे पूछेगा एक दूसरे को देखे, उस बदले का नाम तो समझ में उठ के जाके मत देना, अपने से पीछे वाले को तो सीधा पहुंच जाए। चलो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, साइंस वाले, बॉयज में बिल्कुल सही है, राइट ब्रदर्स, इनके लिए भी आप ताली बजा सकते। अभी जो आर्ट्स में बॉयज है ना, चलो एरिया बांट लेता हूँ, शुरू की दो लाइन में बता देना। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, कतर में। एमएस एक्सेल, ये जो लोन वाली जो फाइलें होती है ना, लोन लेने जाते हैं तो गांव में क्या होता है कि डेयरी की जो किसान दूध देता है तो डेयरी पर उनकी क्या कि वो बनाते हैं एक्सेल में सीट, क्योंकि इसको इतनी उनकी इनकम होती है, तो वो परफॉर्मा मैंने बनाया था, ठीक है, तो परफॉर्मा बनाया था तो मुझे लगा चलो भाई बनाए, मैंने एक दिन पर लगा अच्छा खासा, तो उस जो फाइनेंस वाले ने मेरे को 500 रुपये दिए, मैंने कहा ये अच्छा है, एक परफॉर्मा 500 रुपये मिल गए। फिर जब जब भी वो आता था, सर यार एक दूसरे आदमी की और तैयार करनी दो, मैं तो आराम से मस्त होने लगा, 300, 400, 300, 400 एक परफॉर्मा मेरे को कमा के दे। और उसके अलावा ये जो आप लोगों के जैसे सबके तो बिजनेस होगा, आदमियों के बिजनेस होगा, आदमियों के सरकारी नौकरी या कुछ भी होगा, तो ये जो दुकानें होती हैं इन पे भी एक्सेल का परफॉर्मा तैयार किया जा सकता है, उसके भी पैसे मिलते। नेक्स्ट इसको रुकना, मैं जिससे पूछूं वही बताए। आर्ट्स की गर्ल्स में से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, भयंकर आपका सुना नाम ठीक है। पावर पॉइंट आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, आज मैं बोल रहा हूँ जो कुछ मुद्दे, अगर मैं विशेष से बाहर नहीं जाता हूँ तो मेरे को ये पावर पॉइंट मदद कर रहा है जी, ये पीपीटी बना रहे। अब जो सोशल मीडिया के जो पोस्टर होते हैं आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ नेता लोग इस तरीके से बधाई संदेश देते हैं, बेटा मेरे उद्देश्य ये होता है कि आपके पास जो ये उम्र है ना, ये बहुत खतरनाक उम्र है, यहाँ से सब कुछ समेटा जा सकता है और सब कुछ बिगाड़ा जा सकता है। मैंने इस कॉलेज में तीसरी बार सेमिनार करते हुए आपको कह रहा हूँ कि मैंने पहले सेमिनार में भी ये बोला था कि अगर पढ़ो तो ये सरकारी नौकरी आप सब की, आप ऐसा मत सोचना कि सरकारी नौकरी आप जिंदगी में नहीं आएगी, सब आती रहती है, हमारे सर के टाइम से लेकर सर के टाइम पर तो केवल पास आउट हुए और अप्लाई किया हो जाए, फिर धीरे धीरे संघर्ष करते रहे, फिर बड़ी पोस्ट आए बड़ी आती जाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग काम नहीं करते या फिर जो लापरवाही करोगे, तो यहाँ से आसंद का ये सबसे बड़ा अच्छा विकास हुआ कि आसंद के इस बस स्टैंड से 13 बसें गुजरात के लिए जाती, समझ गए वो कितनी बेरोजगारी करती, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो तो रोड ये ट्रैवल्स का काम अच्छा है, ये लोग पैदा होंगे तो गुजरात जाएंगे ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट पावर पॉइंट में अब इसकी मैं बात करूँ, सोशल मीडिया के पोस्टर आप बना सकते हो, तो इसमें एक चीज है, आप लोगों ने 3 Idiots नाम की एक हिंदी फीचर फिल्म देखी होगी, उसमें फाइंड रिप्लेस के कारण से बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आप जब पोस्टर बनाओगे, तो मैंने इस साल पर किसी एक पार्टी की पोस्टर बना दी है ना, एक व्यक्ति की पोस्टर बना दी, अब दूसरा भी एक व्यक्ति उसने कहा पोस्टर बना दी, तो अपन उसको कह सकते हैं कि 20 रुपये एक पोस्ट के लेंगे, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं सर थोड़ा कम कर दो, चलो 15 में, ठीक है। आप लोग अगर साल भर की मैं कह रहा हूँ 300 पोस्टें बनाते हो, तो 15 × 30 कितने हुए, 4500 रुपये, 4500। तो आप सोचो कि अगर अपन ने कॉलिंग की, किसी को प्रभावित किया कि हम आपकी पोस्टें ऐसे ऐसे त्यौहार तो बने बनाए और जयंतियाँ बनी बनाए, तो उससे भी आप इनकम ऑफ जनरेट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ये है दो चीज, ये दोनों आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इसका नाम है शादी और उसका नाम है फोटोस, बिल्कुल बदलते बिल्कुल शानदार। देखो जो मैं पत्रकार भी हूँ संपादक भी हूँ, तो अखबारों में आज का अखबार उठा के देख लेना, उसमें ये आएगी कि एक महिला का 2 माह का बेटा बाहर और वो एग्जाम देने गई, क्या नारी शक्ति, इस तरीके से बड़ा चढ़ा के बात
करी होती है। क्यों भाई ऐसी जरूरत है, क्यों जब पहले ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं शादी के बाद ये सारे जिंदगी सेफ है, ठीक है समझ रहे हो। और पीएस यानी फोटोशॉप की मैं बात कर रहा हूँ, तो फोटोशॉप में क्या है आजकल प्री वेडिंग का भी एक प्रचलन चल पड़ा है, उसकी फोटो एडिट की जाती है, ठीक है, उसके एल्बम माता पिता उनसे लाखों रुपये लूट लिए जाते हैं या उधर उधर से। और इसके अलावा यहाँ जो कटी कटाई जो मैंने बात की थी फोटोशॉप की पीएसडी फाइल जो कटिंग वाली फाइलें हैं गहने वगैरह ये सारी चीज़ बिकती है, ठीक है। फोटोशॉप आपकी जिंदगी डिजाइन पोस्टर पासपोर्ट फोटो का मैंने आपको उदाहरण बता दिया आपको सीधा सीधा, तो ये वास्तव में है। अब आप जाके कल इन मित्रों वाले से भीड़ मत जाना कि 4 रुपये में बनती है 10 रुपये में प्रिंटिंग होती है, आप उसको कह सकते हो कि भाई थोड़ी वाजिब लगा, नहीं तो उसका तो बिजनेस है वो करेगा। कोरल ड्रॉ, अब जो मैंने आपको बताया कि मैं 10 मिनट में वो पोस्टर तैयार कर लेता हूँ, तो मेरा खुद का बनाया हुआ एक पिक लोड नाम का ऐप है, ये आपकी यहीं पीपीटी सेव रहेगी कोई दिक्कत नहीं। पिक लोड भी आप इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें क्या कि मैंने फ्रेम बना के रख रखी है जिसको पीएनजी बोलते हैं पीएसडी बोलते हैं, तो आपको अपनी फोटो लगानी है और हैप्पी बर्थडे सब कुछ लिखा हुआ उसमें आता है, क्लिक करते ही काम हो जाता है। अब यहाँ पे कहने वाला मैं ही हूँ कि फोटोशॉप से आपको जॉब मिलेगी, या मैंने एक सेकेंड में ऐसा ऐप तैयार कर दिया, तो इसका मतलब है जमाना बहुत फास्ट होता है। ये है, इस लोगो से आप पहचान सकते हो कि यूट्यूब क्या चीज है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ देखो चोंचले हैं, ये सब चोंचले हैं, चाहे यूट्यूब हुआ फेसबुक है व्हाट्सएप है कुछ भी नहीं, एक्चुअल में क्या है नोट्स आ रहे हैं पीडीएफ। मैं मानता हूँ कि आप सभी के मोबाइल में हजारों पीडीएफ नोट्स की पड़ी होगी, हजारों नहीं तो 100 होगी 50 होगी, ना तो प्रिंट निकलती है ना लिखी जाती है। आप लिख लिख कर याद करोगे ना तो ही 100% याद होगा किसी हालत में। आप लोगों में से गर्ल्स से पूछ रहा हूँ, गर्ल्स में से कौन बाइक चला लेती, बाइक बोल रहा हूँ बाइक, ठीक है बहुत सुंदर बात है। बाइक चलाते समय जब फर्स्ट डे होता ना गर्ल्स का, तो आधी वो गियर पे देखती कि गियर लगा ही नहीं लगा, तो इसका मतलब आप समझना कि आपके दिमाग की एक थ्योरी में चेंज करने वाला उसका नाम है कि याद शक्ति केवल माइंड में नहीं होती, याद शक्ति आपकी मांसपेशियों में भी होती। आपकी मांसपेशियों से पता लग जाता है भाई कहाँ से ब्रेक गियर लगाना, ये लगाना, आपको मुड़ना करना, ये चीज। आप किसी ख्याल में खोए हुए तो भी आपकी गाड़ी बाइक वगैरह ठीक से चल रही होती है। YouTube कैसे जिंदगी बदल सकता है कि मेरा चैनल भी है श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज करके, बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं तो सर्च कर लेना, उस पर 5000 लोग सब्सक्राइबर है यहाँ आसिन के। तभी तो मैंने उसमें कहा था कि भाई अपन कोई अगर न्यूज के साथ काम करें। अब मेरे साथ क्या हुआ कि कोरोना वापस भी आने वाला है, कोरोना पहले भी था, ठीक है आज ही सुना मैंने, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोबाइल से मक्खियाँ कैसे भगाते, ठीक है मोबाइल से मक्खियाँ कैसे भगाते हैं। मैं खुद परेशान हो गया था, अपने दो प्रकार के विजातीय तत्व होते हैं उसमें से क्या कि अपन कमरे में पढ़ाई करने बैठे हैं, एक तो दो मच्छर, एक या दो मच्छर बड़े परेशान करते हैं, ठीक है ना, तो उस रैकेट में आते हैं और दो मक्खियाँ वो खुद परेशान करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा इनको कैसे भगाए, और चिड़चिड़ा ऐसे हो जाते कोई काम कर रहा है और मक्खी रू रू वो मक्खी नाम की एक फिल्म भी है चलो। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बहुत फास्ट से समझना कि मैंने लाइट बंद की सारी और मोबाइल की रोशनी की, तो वहाँ खड़ा रहा तो वो दोनों मक्खियाँ उस मोबाइल की रोशनी के पीछे धीरे 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 धीरे, और मैं बाथरूम की ओर जाके खटाक से मोबाइल की लाइट बंद कर दी, मक्खियाँ बाथरूम में चली गई, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका था, मैंने कहा था कि हर चीज मैं अनुभव की बता रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखना सर, कम से कम 30,000 लोग पागल हुए हैं उस वीडियो में, 30,000 लोगों ने उसको देखा है, और उस वीडियो पे मेरे को 700 से अधिक रुपए मिले हैं, ठीक है, और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि लाइफ में लोग सोचेंगे मक्खियाँ कैसे भगाए, तो मेरा वीडियो पर आ जाए मोबाइल से मक्खी, अरे मोबाइल था ये भगा के देखते हैं, तो कुछ लोग तो क्या बोलते हैं कि इसको कहते हैं मक्खियों का बाहर का रास्ता दिखाना, कमेंट पढ़ना आपस में, तो वो सारी चीज़ें। तो आपके पास अगर एक थीम है, जो लोग जैसे आप में से कौन है जो यूट्यूब में रुचि रखता है, यूट्यूब जिसको लगता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं रखता और रखना भी मत अभी तक, रखते हो क्या? शुभ नाम आपका, आपका नाम क्या है? सुना कहाँ से हो? सत्ता केड़ा तिलोरी लाचुड़ा के पास। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जैसे एक हमारे यहाँ राघवेंद्र जी शास्त्री ज्योतिष करके हैं, तो उनका उन्होंने बोला क्या टॉपिक है, मैंने कहा सर आप स्वप्न विज्ञान पे अध्ययन कीजिए और इसके वीडियो बनाइए, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैं क्योंकि जीवन भर आदमी पैदा होएगा, दिन भर थकेगा, सोएगा तो कोई ना कोई सपना आएगा, यूट्यूब पे उसको ढूंढेगा, सपने में बिल्ली दिखी तो क्या होता है, सांप दिखे तो क्या होता है, वो तो वो चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट
ब्लॉग डिजाइन, ब्लॉग मेरा भी बना हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखा था। ब्लॉग में क्या होता है, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक गाँव वाला है, आप अलग अलग गाँव से आते हैं तो अलग अलग गाँव का एक, अपने गाँव का एक ब्लॉग बनाना सबसे पहले, ठीक है, गूगल पे ब्लॉग। और ब्लॉग बनाता उसमें क्या करना है, सभी गांव वाले जो स्टूडेंट जो मतलब मिलने वाले जो परिवार है उन सबको कहना इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर ले वो उस पर। अब क्या करता है, रोज का क्यों गांव में क्या होता है, मैंने देखा कि किसी के जैसे 5 से 10 मजदूर चाहिए तो वो क्या करते हैं, बुलाने जाते हैं मजदूर को, रिकॉल करने जाते हैं, मतलब बुलाने जाते हैं। आप उसकी डिमांड लो और उसको कहो तो मेरे को 20 रुपये दे, ये सब के मैं ब्लॉग पर डालूंगा ये बात, और ये सब लोग देख लेंगे कि उनको आज मजदूर चाहिए। या फिर किसी को जैसे पानी का जो टैंकर खाली करवाते हैं तो पूरा का पूरा लेना पड़ता है, किसी को आधा आधा चाहिए तो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं कि आधा मेरे डाल देना, तो वो रिक्वायर आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा गांव की जो भी जानकारी है, जैसे किसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो सारा डिटेल भी बना सकते हो। तो गांव में किसी को बी पॉजिटिव या बी माइनस का वो करना हो तो खटाक से रिकॉल किया जा सकता है कि इस व्यक्ति के पास ये ब्लड है, तो ये सारी ब्लॉग। उसके अलावा आप अगर साहित्यिक चीज़ें लिखते हो, आप राधेश्याम जी सर आपको लाइब्रेरी में जाने तो देते या नहीं देते, और वहाँ से जो भी चीज एक टॉपिक उठाओ, कोई सुविचार है तो आप अपने भी बना सकते हो, ऐसा छोड़ के। हालांकि सुविचार का मेरे इसमें आएगी अगली स्लाइड में, जल्दी कर दो। इंटरनेट का ज्ञान आपको बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना करना, ये तो आजकल जो आपके फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके एक अलग टॉपिक है जिसको मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ, मेरे पास भारत के आप लोगों के पास आ जाए इतने मैप है, ये मैं आपको बिल्कुल ही निःशुल्क देना चाहूँगा। तो आप बस इनमें क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आप लोग सच बता रहे बोर तो नहीं हो रहे, एक दो हो रहे मैं कुछ नहीं कर सकता अब और है तो उनके चेहरे पे एक ही है कि ना तो मैं चुटकले सुना सकता हूँ, मैंने बचपन में एक चुटकला रट रखा है, खुद का बनाया हुआ है सच में। एक बार एक चुटकला था, किसी ने आया और चेप पे थप्पड़ मार दी, क्या बना, टकला वो चुटकला होगा, ठीक है। हाँ, अब सीधा है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मेरे यहाँ पे जो अभी भी कह रहा हूँ जिनका जो राजस्थान जी के भारत जी के किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये सेमिनार में पहले दे चुका हूँ, सार सार में मैं बताता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। पहला है लिख लिख के याद करना, ठीक है, तो लिख लिख के याद करने से ही याद होता है, बाकी सब झूठ है, चाहे आप 2 बार लिखो 3 बार लिखो लिख लिख के याद करो। बहुत अच्छे नोट्स है, अपन किसी के भी देखते हैं ना, देखो एक किताब के देखते हैं तो किताब में से क्या होता है, फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट्स अपने को प्रभावित नहीं करते, किसी बहन के भैया के नोट्स जो होते हैं, अरे हैंड राइटिंग बहुत शानदार, अक्सर साइंस वालों की हैंड राइटिंग मैंने देखा है बहुत जमी जमाई आती है, उसमें आर्ट्स वाले तो बोल दिया जो सही है, समझ लेना। एक इसी बीच में एक बात सुना रहा हूँ कि एक तोता था जिसको अभ्यास कराया गया कि उसका एक व्यक्ति का तोता, तो पड़ोसी जाता था तो तोता बोलता था कि अबे वो पागल, रोज ये बोलता था अबे वो पागल, पड़ोसी परेशान हो गया जो जाने वाला था जो, उसने उसको कहा भाई तेरे तोते को समझा कि मुझे अबे वो पागल नहीं बोलना, ठीक है समझा दूंगा भाई साहब। तो अगले दिन समझा दिया, वो जाने लगा तो देख रहा था कि आज क्या बोले, तो तोते ने बोला समझ तो तू गया होगा। ठीक उसी तरीके से आर्ट्स वाले क्या होते हैं, जब कोई थ्योरी वगैरह प्रतिपादित करते तो वो 4 लाइनें भर के इस तरीके से ये प्रतिवादित हो गया, सिद्धार्थ या राजनीति का जो समझ, तो सर आप गए होंगे तो 5 साल तेज भरे हैं। साइंस में ऐसा नहीं चलता, उनकी बराबर जैसे आंख की संरचना तो रेटिना बराबर समझाया जाएगा, हर चीज को सार करके समझाया जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट ही है ना, लास्ट में तो धन्यवाद है कम से कम। ठीक है, स्थाई ज्ञान को पक्का करना, गुरुदेव सम्मान्य गुरुजनों जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो राजस्थान जी के भारत जी के जो स्थाई है, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध अब तो नहीं होगा, उसको तो याद कर लो, जो स्थाई जी के उसको याद कर लो। मैथ्स की रीजनिंग या मैथ्स कभी बदलनी नहीं, 2 और 2 4 होंगे, सूत्र बराबर होंगे, लाभ हानि का गुरुदेव के टाइम से लेकर अपने टाइम से हमारे टाइम से लेकर अभी तक वही सूत्र वही काम कर रहा है। तो जो स्थाई ज्ञान है, प्रतियोगिता परीक्षा अगर पास करना चाहते हो तो वो स्थाई ज्ञान उसको तो पक्का करते जाओ। अपन सोचे कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, टाइम टेबल बनाऊं, आगे मैं ये भी बताऊंगा सुबह 4 बजे उठने से बहुत हानि है, सच बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब 4 बजे योगियों को उठना चाहिए, यहाँ पे घर में 4 बजे उठे, मम्मी 5 बजे बर्तन ढांढ़ी, दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है, अभी मर्जी हो तब उठना। नेक्स्ट
मेरा आपको कुछ नाजुक या ये चीजें बताकर तालियां बटोरने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये कि सचमुच ये अनुभव है आपके घरों में, मेरे घर में, वही नई बात नहीं है, ठीक है। मोबाइल से रिकॉर्ड करके, जैसे मैंने अब तो आजकल नहीं आता, पहले मैंने देखा था मोबाइल में एक वो वीडियो आता था, यो मुंह ये मेरा दोस्त, ये जो कुछ भी उसका, और जो वो ये कहते थे कि समाज को काम है झिंगा झिंगा। अरे भाई वही आदमी 6 महीने बाद यहाँ से गुजरात जाते हुए मिले, फिर वहाँ पे जाके स्टेटस डालते हैं जननी जन्मभूमि चे स्वर्ग आदि जो कुछ भी हो यार, यादें हैं रोड या कुछ भी नहीं भाई। आज सच बता रहा हूँ आप लोग, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने नए, उनका नाम क्या, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक दिन कहा कि बीजेपी वालों का तो स्वतंत्रता के आंदोलन में कुत्ता भी नहीं मरा, ठीक है, और अगले दिन वो प्रधानमंत्री के साथ भोजन कर रहे। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि ना राहुल गांधी जी से कुछ लेना, ना मोदी जी से कुछ लेना देना है, कहीं से अपनी पढ़ाई अपने आप करते रहो, कोई राजनीति में एक भी इंटरेस्ट, सारे नेता एक दूसरे के पूर्वक होते हैं, अपने अपने काम करते हैं। तो आपको मोबाइल से क्या करना है, इसी टॉपिक पे ला रहा हूँ कि मोबाइल से आपके जो नोट्स हैं कोई चीज़ याद नहीं हो रही, उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, उसको बार बार सुन सकते हैं। आप खेत पे जा रहे हैं आराम से घूमते रहो, सुनते रहो, दूसरे गाने भी तो सुनते हैं, तो इस तरीके से सुनते रहो तो वो रिमेंबर करने से याद हो, ठीक है। नेक्स्ट, पागल बनकर, पागल बन के रहो, अपने काम से काम रखो। घर पे भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, पागल का मतलब ऐसे पागल नहीं है। अभी मैं कल रात को सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ फोटो पे वो बताता जो आसिंद का फकरिया नाम से दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति, एक तो ओरिजिनल फकरिया जो वास्तव में लंबे काल से चल रहा है, उसका नाम नहीं पता, मैं फोटो यहाँ लाने वाला था, मैं उन चीजों को चुनिंदा लेकर आपके परोसने वाला हूँ कि यहाँ से सीखते हैं भाई, कहीं और जाने क्यों, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही गए होंगे। तो यहाँ पे दो फकरे, तो वो जो फकरिया है जो मेन जिसको आप बस स्टैंड देखते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, या तो बस के आगे लौट जाएगा और पैसे नहीं लेगा, गोल पैसे लेगा, मतलब रुपए नहीं लेगा कभी किसी दिन इस तरीके से। और फिर एक है मदन नाम का, ठीक है, तो वो रिलायंस मॉल में जाता है, सर मैं 5 से 10 मिनट ज्यादा ले लूंगा, ठीक है, रिलायंस मॉल में जाता है तो वहां पे जाके मदन 10 रुपए आगे करता है, अंदर नहीं जाता है, मतलब बिस्किट लाके दो दे दे, तो वो गार्ड लाके दे देता है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ घर पे भी है ना, कोई कुछ कह रहा तो इग्नोर करो, बाकी तो आंटी या बड़ी मम्मी लड़ाइयाँ होती रहती है और आप उनसे भुगत भोगी हो, इसलिए पागल बन के अपनी पढ़ाई क्या की, लिख कर क्या याद किया उस पर फोकस करना। नेक्स्ट, तुलसी वाहन जाइए जन्मभूमि के ठाम, गुण अवगुण सिन्हे नहीं ले पुरानो नाम। बहुत कम जो लोग बाहर से यहाँ रहते हैं, उसमें हॉस्टल वगैरह में रहती बैठे, ठीक है, उनके लिए कह रहा हूँ कि अब आपके लिए बहुत स्वर्ण मौका है। गांव में क्या होता है, जो लोग गांव में पढ़ते हैं ना, तो किसी के जीवने वगैरह होते हैं तो जाना अनिवार्य हो जाता है, रह कर भी नहीं तो घर वाले परेशान करते हैं, आज रोटी नहीं मिलेगी, वहाँ जेल चला जाए। आप यहाँ पे हो, बहुत बड़ा फायदा है, आप पढ़ लो, मैं पुराण के सिस्टम से भारत के नक्शे, राजस्थान के नक्शे में लिख लिख के उसमें भर भर के याद करोगे तो ही याद होएगा, बाकी राजस्थान जी के ऐसा है कि जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ टेस्ट लेकर आप एक दूसरे दोस्त से टेस्ट पेपर बनाकर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका सेल्फ टेस्ट किए अपन ने कितना याद कर लिया और कितना किस तरीके से अपने को याद हो रहा, ये अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जूते पहनकर पढ़ाई करें, बिल्कुल, ये 10 पॉइंट है, ये 7वां आ गया। जूते पहन के पढ़ाई करने से दो चीज़ होगी, ये जो मौसम है ना सर्दी का, ये बड़ा पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसका कारण है एक पंखे की तो आवाज़ नहीं आती, ठीक है, तो उससे आदमी डिस्टर्ब नहीं होता, मक्खियाँ मच्छर कुछ भी परेशानी, कुछ भी परेशानी, और हो सके तो एक दो दिन छोड़ के भी ना ले तो कोई कहने वाला, ठीक है, तो इससे, और जूते पहनने से क्या होता है, आपको नींद नहीं आएगी, बाकी आप कैसे भी रजे के साथ धीरे धीरे खिसकते खिसकते, तो आपको जूते पहन के पढ़ाई करना, ये मेरा मकसद है, इस तरीके से आप पढ़ें। नेक्स्ट है, सुबह जल्दी उठना या नहीं ये आप फैसला कर लेना, क्योंकि ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं 4 बजे उठो, कोई उठता ही नहीं है, मैं टॉपिक में लाया हूँ इसलिए, तो आपकी मर्जी है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है, परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न समझना है, देखो आपके अभी मार्च में आएगी ना ये परीक्षा, मार्च में होगी, तो उसमें तो क्या है कि बच्चा कैसे पास हो उस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चा फेल कैसे हो उस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं, उनके भी 16-16 अलग अलग पैटर्न होते हैं, वो भी मैं समय रहे तो बिल्कुल समझाऊंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, सुविचार, देखो एक ही चीज़ है सर,
लोग सुचार पढ़ते हैं, मैं भी सुचार लिखता हूँ और मैं सुचार का सबसे बड़ा साधक हूँ, उस तरीके से समझना। मैं उस सुचार की समीक्षा खूब करता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है, जब तक आपका करियर नहीं बन जाते तब तो किसी का सुचार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे ना मैम कि आज पापा नहीं डांटते, भाई साहब पापा आज भी जूते मारते हैं, जिसने खाए वो याद कर सकता है और आज भी मारते हैं। कोई सुचार मत, जो भी विद्यार्थियों और आप लोग वास्तव में पढ़ाई करना, लिख लिख के याद करना, आपके शंकर जी सर है जब भी बुलाएंगे, फिर भी आपको किस तरीके से पढ़ना उसका भी मैं ले लूँगा, मैं आपको बिल्कुल कभी बोर नहीं करने वाला।